इंडिया में बहुत सारे लोग लैट्रिन के रास्ते की दिक्कतें लेके डॉक्टर्स के पास जाते हैं, घर पे अपने आप भी इलाज करते हैं कि हमें लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है या कोई मांस आ रहा है। लैट्रिन के रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जिनमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि फिस्टुला जिसे भगंदर बोलते हैं, पाइल्स जिसे कि बवासीर भी बोलते हैं, और फिशर, क्योंकि सबका इलाज अलग अलग होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको अलग अलग चीज़ों का अलग अलग इलाज बताएंगे। आज हम इस वीडियो में पाइल्स या बवासीर के लक्षण, उनको घरेलू नुस्खों से कैसे ट्रीट किया जाए और एक डॉक्टर उसे दवाइयों से, सर्जरी से कैसे इलाज करते हैं, उसको विस्तार में जानेंगे। इसलिए कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम जानेंगे कि पाइल्स या बवासीर के लक्षण क्या होते हैं। ब्रॉडली दो तरीके के पाइल्स होते हैं, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स में यूजुअली पेशेंट को सिर्फ ब्लीडिंग होती है और उस ब्लीडिंग की वजह से कमजोरी होती है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास आते हैं। अगर इंटरनल पाइल्स ज़्यादा बढ़ जाता है या ज़्यादा ग्रेड का हो जाता है तो मस्से भी फील हो सकते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स में मस्से फील होते हैं और साथ में लैट्रिन करते वक्त या लैट्रिन के बाद दर्द भी हो सकता है और कुछ लोगों को ब्लीडिंग भी हो सकती है। काफ़ी बार एक्सटर्नल पाइल्स में खून का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से बहुत सूजन होती है और बहुत तेज़ दर्द होता है, जो कि बिना लैट्रिन पास करे भी होता है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और आपको जल्द ही जल्द हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाना चाहिए। पाइल्स या बवासीर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि लैट्रिन में ज़्यादा समय बिताना। लोग आजकल मोबाइल और न्यूज़पेपर लेके लैट्रिन में बैठते हैं, ज़्यादा टाइम बिताते हैं, जिसकी वजह से पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, स्ट्रेन करना या लैट्रिन करते वक्त जोर लगाना, जो एक बहुत मेजर कारण है पाइल्स या बवासीर के होने का, क्योंकि जब हम जोर लगाते हैं तो लैट्रिन का रास्ता नीचे आता है, जिसकी वजह से पाइल्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तीसरा, कॉन्स्टिपेशन होना, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है आजकल की डाइटरी हैबिट्स, जिसमें बहुत लो फाइबर डाइट होती है, हाई फैट्स होते हैं, जिसकी वजह से पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बवासीर के और कुछ कारण होते हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर काफ़ी महिलाओं को बवासीर होता है, लेकिन ये रिवर्सिबल है। एंड दूसरा, बढ़ती उम्र या एजिंग। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखते हैं या सारे लक्षण दिखते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं। जब आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे कि आपको कब से ब्लीडिंग हो रही है, कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कोई मांस तो नहीं आ रहा है या कोई दर्द तो नहीं हो रहा है। उसके अलावा वो आपसे पूछेंगे कि कहीं आप कोई दवाइयां तो नहीं ले रहे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन या सख्त लैट्रिन तो नहीं आ रही है, या आपको अपनी उंगली का इस्तेमाल तो नहीं करना पड़ता है, क्या आपको लैट्रिन में ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है या एक बार जाने के बाद वापस बार बार जाना पड़ता है। ये कुछ सवाल वो आपसे पूछेंगे और आप इनका सही सही जवाब दें। इसके बाद डॉक्टर आपकी जांच करेंगे, जो कि एक साइड पोजीशन में होती है। इसमें डॉक्टर आपके लैट्रिन का बाहरी रास्ता देखेंगे कि उसमें कहीं मस्से तो नहीं है, कहीं कोई एक्टिव ब्लीडिंग या रक्त का रिसाव तो नहीं है। एंड इसके बाद वो एक उंगली की जाँच करेंगे, जिससे लैट्रिन के रास्ते के अंदर का हिस्सा देखा जाएगा कि कहीं आपको उंगली डालने पर कोई दर्द तो नहीं हो रहा है। अगर दर्द नहीं होता है तो एक प्रोक्टोस्कोपी करी जाती है, जिससे इंटरनल पाइल्स को देखा जा सकता है एंड वो कितने बड़े हुए हैं ये देखा जा सकता है। इसके बाद डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट्स या जांचों के लिए भेजेंगे, जैसे खून की जांच और कुछ दूरबीन की जांचें। खून की जांच में CBC या कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है, जिसमें पता चलता है कहीं आपको खून की कमी या अनीमिया तो नहीं है। ये दूरबीन की जांचें दो प्रकार की होती हैं, सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी में आपके लैट्रिन के रास्ते का निचला भाग देखा जाता है एंड कोलोनोस्कोपी में पूरा का पूरा लैट्रिन का रास्ता देख लिया जाता है, या जिसे बड़ी आंख बोलते हैं। अगर आपको पता चलता है कि आपको पाइल्स या बवासीर है तो घबराइए नहीं, ये एक ट्रीटेबल डिजीज़ है जिसके काफ़ी सारे इलाज हैं। काफ़ी केसेस में आप घरेलू उपचार, जो कि घर पर ही किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन घबराइए नहीं, इसके इलाज मौजूद हैं। इन इलाजों को विस्तार में जानने के लिए इस वीडियो का अगला भाग ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किन्हीं और विषयों पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम और वीडियोज़ के साथ ज़रूर आएंगे। और इन्हीं वीडियोज़ को देखने के लिए 1MD चैनल को सब्सक्राइब करें।